गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इस घमासान पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों एवं साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहारण गिदी के विवादित बयान के बाद मंदिर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को अरेस्ट किया था। इस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े देवी देवताओं, महापुरुषों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि विरोध के नाम पर अगर कोई अराजकता करेगा तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत, संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवताओं, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ अथवा आगजनी स्वीकार्य नहीं है। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसे भी उसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाने को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ भी सख्ती से पुलिस निपटेगी। वहीं महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के बयान के खिलाफ रविवार को सहारनपुर में करीब 2000 लोग सड़क पर उतरे थे। नारेबाजी करते हुए लोगों ने शेखपुरा पुलिस चौकी पर पथराव किया था। वहीं बुलंदशहर में भी शुक्रवार देर रात मुस्लिम संप्रदाय के हजारों लोग सड़क पर उतरे, नारेबाजी की और पुलिस पर पथराव किया। इन हालात को काबू करने के लिए रात में ही पीएसी को भी बुलाना पड़ा था। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब गाजियाबाद जिले स्थित दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर विरोध शुरू हुआ और नरसिंहानंद पर एफआईआर भी दर्ज हुई।